मोहम्मद तैयब जहीर, आपके अपने YouTube चैनल प्लांट्स लव में आज एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लीची। ये देखें, हर तरफ लीची ही लीची लगी हुई है। ये देखें माशाल्लाह, लीची ही लीची हर तरफ। ये देखें ज़बरदस्त। अहमद भाई ज़रा जिधर भी देखें आपको लीची ही लीची नज़र आएगी। वो देखें, अहमद भाई इधर आए जरा। आपको लीची के बारे में बताएंगे कि लीची किस तरह दरख्त पे फल देती है, कितनी उम्र में जाके इस पे फल लगता है, क्या ये गमले में फल दे सकती है या नहीं दे सकती, क्या ये सर्दियों का पौधा है या गर्मियों का पौधा है, और इसको कितने पानी की ज़रूरत है, क्या इसको घर की छत पे लगा सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। और मेरी वीडियो के बारे में आपने ज़रूर बताना है कि वो आपको कैसी लगी है। आए, अब ये माशाल्लाह ये पौधा, लीची का पौधा, हम उसकी एयर लेयरिंग करते हैं। एयर लेयरिंग से मुराद हम यहाँ से मिट्टी लगा के या गमला लगाकर इसको हम इसकी एयर लेयरिंग करते हैं, और इसी से हम नया पौधा बनाते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एयर लेयरिंग, इसकी कलम से किस तरह पौधे को बनाया जाता है वो भी सिखाएंगे। और हम बीज से इस पौधे को लगा तो सकते हैं, लेकिन उस पर फल कभी नहीं लगेगा। अगर आपको फल चाहिए, आपको लीची चाहिए, तो आपको एयर लेयरिंग ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं। और अब आपको इस दरख्त पे ही दो कलर की लीची नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये रेड कलर की लीची है, और ये अपना अजान अहमद भाई। अब ये देखें नाज़रीन, ये लीची देखें, ये देखें ना रेड, ये बिल्कुल पक चुकी है, ये खाने के काबिल है। और ये जो उनसे ये ग्रीन है, ये अभी पकने वाली है। आपको मैं बताता हूँ कि ये दरख्त कम से कम 6 साल लेता है बड़ा होकर फल देने में। इसका फल हर साल फरवरी में इसका फल, यानी कि इसका बूर लगता है, और 3 महीने इसको तैयार होने में लगते हैं। अब ये जून का महीना चल रहा है, ये देखें इसका फल कुछ तैयार हो चुका है और कुछ तैयार हो रहा है। और ये देखें, मैं आपको लीची दिखाता हूँ अंदर से। ये देखें, ये इस तरह की होती है माशाल्लाह, और ये नहायत ही जूसी और ज़बरदस्त फल है। ये देखें माशाल्लाह, इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, बहुत ही जूसी है। और इसका फ़ायदा, गर्मियों का मौसम है, आप रनिंग से भी अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ आप अगर लीची भी खाएंगे तो आपका वेट दिनों में कम होगा, दिनों में। साथ में लीची खाएं और साथ में रनिंग करें, आपका वेट दिनों में कम होगा। और जिनको ब्लड प्रेशर की अक्सर शिकायत रहती है, वो भी लीची खाएं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। कोई और चीज़ खाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लीची खाएं। और ये देखें, ये इसका बीज है। इस बीज से हम जो फल पौधा उगाएंगे वो कभी भी फल नहीं देगा। आपको अगर लीची चाहिए तो आपने एयर लेयरिंग करनी है, आपने उसको मिट्टी लगा के यहाँ पर कहीं भी शाख पर मिट्टी लगा के, वो तरीका इंशाल्लाह आपको बताएंगे। वैसे आप इसको घर में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन गमले में ये फल नहीं देगा। इसको गमले में, अगर आपको कलेक्शन की ज़रूरत है कि आप चाहते हैं कि कोई आपके पास आए, आप उसको ये भी बता सकते हैं कि मेरे पास लीची का पौधा भी है, मेरे पास ये भी पौधा है, वो भी है। आप उसको कलेक्शन के लिए लीची का पौधा घर में रख सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे।
अब आपने मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, आपने कमेंट में जाके मुझे मेरी वीडियो के बारे में बताना है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी और पौधे के बारे में नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।